हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, दिखाने वाली भी हूँ कि मेरे गार्डन में कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हैं। ये देखिए, ये मेरा मैरीगोल्ड का है, इसमें काफ़ी सारे फूल खिल चुके हैं काफ़ी सुंदर से। ये देखिए, छोटा सा ये हिबिस्कस है और ये चाइना हिबिस्कस है। ये देखिए कितना सुंदर खिला है। ये देखिए मेरे, ये हैं कॉस्मोस येलो रंग के, और ये गुलमेंदे भी काफ़ी सारे खिले मेरे। ये मिनिएचर एक्सोरा की वैरायटी है, पिंक कलर, बहुत छोटा है, इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स आ चुकी हैं। और ये देखिए हरसिंगार का है, ये खिल चुका है, बस गिरा नहीं है। और ये रहा मिर्ची गुड़हल। ये देखिए, ये है पर्पल हार्ट है, ये बहुत सुंदर फूल खिले इसमें। और ये देखिए इतने सारे खिले हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैं अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स नए नए जो लाई हूँ वो। तो ये देखिए मेरे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये तो मैंने ये ख़रीदे थे अभी, कल ही ख़रीदे थे। तो ये देखिए, ये पहला है पिटूनिया, ये पर्पल और मेहरून रंग का है, और ये वाइट रंग का है पिटूनिया, और ये कैरेंडुला है मेरा, डेंथस है, और ये गजानिया है। और मैंने एक ये भी ली है बास्केट इनमें इनको लगाने के लिए। तो ये थे मेरे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स। और मैं एक ये भी पेड़ लाई हूँ, और ये देसी गुड़हल का लाए हैं हम, देखिए। और ये देखिए ऑरेंज कॉस्मोस है ये। मैंने ये छोटा सा पान का पेड़ भी खरीदा है, पान का पौधा, देखिए। तो अब मम्मी डेंथस का लगाने जा रहे। तो रिपोर्टिंग तो एक ही प्रक्रिया है कि मम्मी ने मिट्टी ली, मिट्टी में जो भी कंपोस्ट डालना था कंपोस्ट डाल दिया, और फिर उसको थोड़ा सा सही करके सब लगा दिया, उसमें वाटरिंग कर दी, नीम की खली हो गई, ये सब डालती है मम्मी, और कुछ नहीं करती हैं। और उसके बाद फिर उस प्लांट को लगा देती हैं। आप देख सकते हैं अपने ये कैसे मम्मी ने लगा दिया है इसको गमले में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।